नमस्कार, मैं एक भारत अवेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृति प्रजापति। 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच भारत ने गुलामी के कई दौर देखे हैं, लेकिन अक्सर जब हम गुलामी की बात करते हैं तो हम हमेशा अंग्रेजों के दौर की बात करते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया। अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा, अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किए, भारत के लोगों पर खूब अत्याचार किए। लेकिन इसके साथ ही इतिहास हमें ये भी बताता है कि केवल अंग्रेजों ने ही हमें नहीं लूटा, अंग्रेजों से पहले आए विदेशी आक्रमणकारियों ने भी भारत को खूब लूटा, भारत के लोगों पर खूब अत्याचार किए। एक जमाना ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज भारत सोने की चिड़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी भारत के अंदर इतनी हिम्मत है कि आज भारत एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम एक बार उसी दौर की बात करेंगे जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और किस तरह से भारत का जो रुतबा था उस समय पूरे विश्व में बरकरार था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बारहवीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज से 1000 वर्ष पहले की बात करें तो आज से 1000 वर्ष पहले पूरे विश्व के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% के आसपास थी। वहीं अगर हम पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप की भी हिस्सेदारी पूरे विश्व की जीडीपी में 14% थी केवल। और चीन की बात करें तो चीन की हिस्सेदारी पूरे विश्व की जीडीपी में 25% थी, यानी पहले नंबर पर था भारत, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर था भारत 32% की हिस्सेदारी के साथ, और इसके बाद था चीन 25% की हिस्सेदारी के साथ। उस समय कपास और इससे बनने वाले कपड़ों का उत्पादन भारत में होता था। भारत के मसालों की मांग दुनिया भर में थी, क्योंकि भारत जो था अपने मसालों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता था। उस समय सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर भारत दुनिया के कई देशों को निर्यात करता था। भारत की चीनी जो है वो दुनिया के कई देशों को भेजी जाती थी। उस समय चावल, चंदन, केसर और भारत में बने कालीन और शॉल की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और ये इतने प्रसिद्ध थे कि दुनिया भर के जो व्यापारी थे वो भारत में लाइन लगाकर खड़े होते थे इनको लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो सबसे पहले भारत के बड़े बड़े शहरों को नुकसान पहुंचाया गया, भारत के बड़े बड़े व्यापारों को नुकसान पहुंचाया गया, ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। भारत को लूटने का जो सिस्टम था वो उस समय शुरू हो गया था, और उस समय भारत को कमजोर करने की जो नींव थी वो उस समय पड़ चुकी थी। और इसके साथ ही 14वीं शताब्दी तक आते आते पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 35% से घटकर 25% हो गई। इसके बाद 15वीं शताब्दी में मुगल भारत आए, और जब मुगल भारत आए तो मुगलों ने भारत पर कब्जा किया, भारत पर शासन किया, और उन्होंने भी भारत पर खूब अत्याचार किए। मुगलों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा, और मुगलों ने भारत पर इसलिए नहीं शासन किया क्योंकि भारत से वो कुछ सीखना चाहते थे या भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने भारत पर शासन इसलिए किया क्योंकि भारत एक बहुत ही अमीर देश था, भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था, इसलिए वो भारत को केवल और केवल लूटना चाहते थे। और जब मुगलों ने ये देखा कि भारत के पास, इस देश के पास एक बहुत ही लंबी शानदार सांस्कृतिक विरासत है जो कि है हिंदुओं की विरासत, और उस समय सबसे ज्यादा आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था वो था मंदिर, तो मुगलों ने सबसे पहले मंदिरों को विनाश करना शुरू किया, यानी कि मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। मंदिर तोड़-तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनवाना शुरू की, मंदिर को तोड़-तोड़कर उन्होंने कई अपनी जो इमारतें हैं और अपने बड़े शानदार जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनवाना शुरू किया, और इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं पर भी काफी अत्याचार किए। और आज भी आप सुनते होंगे, आज भी आप खबरों में देखते होंगे कि इस जगह पर पहले जो थी, पहले मंदिर थी, इसको तोड़ करके मुगलों ने मस्जिद बनवा दिया, इस जगह पर मंदिर था। तो इस तरीके के तमाम विवाद जो है वो आज आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस बात के सबूत भी काफी मिलते हैं कि पहले ऐसी कई जगह है जहां पर मंदिर हुआ करते थे और उनको तोड़ करके आज की डेट में जो है वहां मस्जिद है, क्योंकि मुगलों ने वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इससे ये पता चलता है कि किसी जमाने में भारत के पास एक बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा और ज्ञान का भंडार हुआ करता था। लेकिन आज हम भारत की बात करें तो आज भारत की स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं, और उस समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत विश्व गुरु था, भारत पूरे विश्व में सबसे ऊपर था, ये हम
जानते हैं और ये इतिहासों में इसके सबूत भी मिलते हैं। ये केवल ऐसे ही कोई बातें नहीं है, इसके सबूत जो है वो इतिहास में मिलते हैं। और इसके बाद फिर अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने भी भारत को जमकर लूटा, अंग्रेजों ने भी भारत के लोगों पर जमकर अत्याचार किए। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और इसके साथ ही अंग्रेजों ने भी भारत को इतना लूटा कि आज भारत की जो स्थिति है वो हम खुद ही देख सकते हैं। तो फिर इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के पास कितनी शानदार विरासत थी। और अगर हम आज भी देखेंगे, आज भी ब्रिटेन जैसे देशों में भारत की जो कीमती सामान है, जो किसी जमाने में भारत में हुआ करते थे, वो आज भी ब्रिटेन जैसे देशों में दिखते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में उसके सबूत जो है वो आज भी दिखते हैं। आज भी वहां के म्यूजियम में भारत के कीमती सामान जो है वो जरूर रखे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक समय पर भारत के पास बहुत बड़ी धन दौलत और बौद्धिक संपदा जो थी वो जरूर थी। तो बाहर से आए विदेशियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूट लूट कर बहुत ही गरीब और दरिद्र देश बना दिया कि भारत की रूपरेखा ही पूरी तरीके से पलट गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।